किसी अपराध के तहत मौत का अंदेशा हो तो ये जानना जरूरी हो जाता है कि मौत के कारण क्या रहे होंगे, ताकि संबंधित मामले में न्याय हो सके। ऐसे में शव की जांच पड़ताल करके ही पता लगाया जा सकता है कि मौत किस प्रकार हुई, ताकि कोई सुराग मिल सके। ऐसे में आए दिन पोस्टमार्टम से जुड़ी खबरें हम सब पढ़ते और सुनते आए हैं, लेकिन इससे जुड़ी जानकारी भी होना जरूरी है। इसलिए आज हम जानते हैं कि पोस्टमार्टम क्या होता है और क्यों ये दिन के उजाले में ही किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं नीलम त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अमर उजाला। मेडिकल फील्ड में एक बहुत ही जरूरी शारीरिक जांच होती है शव परीक्षा या पोस्टमार्टम, जिसके जरिए मौत के कारणों का पता लगाया जाता है। सामान्य मृत्यु की स्थिति में इसकी जरूरत तो नहीं होती, लेकिन संदेहजनक स्थिति में हुई मौत की गुत्थी सुलझाने में ये एक अहम भूमिका निभाता है। पोस्टमार्टम करने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट होते हैं, जिन्हें पैथोलॉजिस्ट या विकृति विज्ञानी कहा जाता है, जो सामान्य डॉक्टर ही होते हैं, लेकिन इनके कार्यों में उन्हें विशेष अनुभव प्राप्त होता है। पोस्टमार्टम मृत्यु के 6 से 10 घंटे के अंदर किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद शव जल्दी से खराब होने लगता है। पोस्टमार्टम 2 चरणों में होता है। पहले चरण में शव का बाहर से निरीक्षण किया जाता है, ताकि शरीर के सामान्य विकास, स्वास्थ्य, त्वचा का रंग, अंगों की सूजन, मारपीट की स्थिति में शरीर पर निशान जैसी चीजों को नोट किया जाता है। दूसरे चरण में शरीर के अंदरूनी अंगों का अलग अलग परीक्षण करना होता है। पोस्टमार्टम करने से पहले ये जरूरी है कि डॉक्टर किसी परिजन या नजदीकी व्यक्ति से सहमति ले। पोस्टमार्टम में शरीर का बारीकी से निरीक्षण किए जाने के बाद मौत के कारणों का संकेत मिलता है, जिसके आधार पर मौत की गुत्थी सुलझाई जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि पोस्टमार्टम हमेशा दिन के उजाले में ही किया जाता है? जी हाँ, अगर आपके मन में भी कभी ये सवाल आया हो कि रात में पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया जाता, तो हम आपके सवाल का जवाब लेकर आ गए हैं। जवाब बताने से पहले हम आपको ये बता दें कि शव का परीक्षण करने और मौत की असल वजह के बारे में जानने के लिए पोस्टमार्टम किया जाता है। पुलिस के पास पहुंचने वाले सभी मामलों में पोस्टमार्टम करना जरूरी है। बिना पोस्टमार्टम कराए पुलिस किसी भी मामले की जांच करने में असक्षम रहती है। कुछ मामलों में पोस्टमार्टम करने के लिए संबंधित व्यक्ति या परिजन की सहमति होना जरूरी है, जबकि ज्यादातर मामलों में पुलिस की अनुमति से ही पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक के समय को बेहतर मानते हैं। इसके पीछे 2 वजह हैं। पहली वजह है वैज्ञानिक, जबकि दूसरी वजह है धार्मिक। वैज्ञानिक कारण कहते हैं कि रात के समय दूधिया रोशनी में चोट का रंग लाल दिखने के बजाय बैंगनी रंग के दिखते हैं, जबकि मेडिकल साइंस में बैंगनी रंग की चोट का किसी भी प्रकार का कोई उल्लेख नहीं किया जाता। इसके अलावा धार्मिक मान्यताएं कहती हैं कि अंधेरा होने के बाद शव का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। यही वजह है कि बहुत जरूरी नहीं होने पर ज्यादातर पोस्टमार्टम अंधेरा ढलने से पहले ही किए जाते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आप हमारे ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज अमर उजाला को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप ये हमारा वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।